राजा जा मग मसा राजा राजा जबरदस्त रिजा दर्जा फोन रगटे रावण गट मैं डबर मैं जा माशा सौका सौका रोटी इलास वाला Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to another vlog. Dosto, kya hal chal hai? एक नया रेट के साथ फिर से आप लोगों का भाई अबू सुफियान हाज़िर हुआ है और आज का तारीख है 19 तारीख जुमे का दिन है 19 जुलाई और हम पूरा मोहल्ला जा रहा है पिकनिक मनाने के लिए स्कांकांड की तरफ और एक ज़बरदस्त पिकनिक स्पॉट है वहाँ और दोस्त तकरीबन 10 बंदे हम और 2-3-4 छोटे बच्चे भी हैं और अभी हम हैं रोगानी रोड पे और दोस्तों के साथ भी आप लोगों को मिलाएंगे और रास्ता अब भी आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ पे जा रहे हैं हम क्योंकि एक हिडन वाटरफॉल है वहाँ मैं अभी तक नहीं गया हूँ मोहम्मद आसिफ को पूरा डिटेल मालूम है क्योंकि वो कई बार गया हुआ है मोहम्मद आसिफ टेलर्स वाला मेरा एक अच्छा दोस्त है बहुत अच्छा दोस्त और मोहम्मद आसिफ टेलर्स मुर्दा कारीस आगा साहब मस्जिद के साथ जो है उसका टेलर्स है और कल हम ऐसे बैठे थे मशवरा ये हुआ कि क्यों ना हम कल जुमे के दिन पिकनिक मनाने जाए तो मशवरा हुआ दोस्तों को फ़ोन किया और दोस्त हाज़िर हुए मोहम्मद आसिफ के जो दोस्त थे वो भी आ गए और हमारे जो दोस्त थे वो भी आ पहुंचा और इसरारुल्ला क्वेटा से आए हुए थे उसको भी एक चक्कर दूंगा और फिर से मैं आया हूँ सीजी को मैंने इसरार को दे दिया मैं वापस आया हूँ अपने बड़े टाइगर पर मैं इसका इंशाल्लाह एक नाम ज़रूर रखूँगा इस जेस का भी और 125 का भी मौसम भी थोड़ा सा अच्छा है लेकिन अथरा पे जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो बादल है और सब चीज़ें हमने ले लिया रोटी तक हमने ले लिया और दोस्तों पर बांट लिया और मौली शमसुल्लाह यहाँ पे खड़ा है और चीज़ें जो है वो बाइकों पर हमने बांट लिया और थोड़ा थोड़ा सबको चीज़ें दे दिया और बाज़ बंदे जो पीछे आ रहा है और बाज़ जो है वो आगे जा रहा है और अब हम पहुँच गए मौलाना सलाउद्दीन अयूबी साहब के मदरसे तक ये उसका मदरसा है सामने ये उसका घर है और दारुल उलूम चमन जो हमारे चमन का जो ये मीनी भी है और इसका जो है वो मदरसे का मस्जिद का जो गुंबद है वो बिल्कुल बैतुल मुकद्दस की तरह बनाया है उसी डिज़ाइन से गोल्डन यहाँ तक रोड अच्छा है फिर मेरे ख़्याल में आगे जो है वो ख़राब भी है और इस तरह कड़ी मड़ी भी है
और चमन का जो नया तबलीगी मरकज जो है वो भी आ पहुंचा। सामने जो है वो तबलीगी मरकज है नया। मेरे दोस्त भी हमारे साथ जा रहे हैं 125 में, माशाल्लाह दो बंदे हैं। और अभी तक मदासिब का जो दोस्त है मेरे, उसके साथ बात नहीं हुआ है और इंशाल्लाह तारुफ करा लेंगे इंशाल्लाह। अब्दुल गफ्फार परदेसी भी पीछे आ रहा है 75, माशाल्लाह माशाल्लाह। उसका फोटो देखो, तबलीगी मरकज है। दोस्तों ऑफ रोड तो शुरू है लेकिन फिर भी अच्छा है, लेकिन उसका लेवल जो है वो बराबर है। वाह, मेरा ब्लैक टाइगर अबू सुफियान वाइकर, उसके नंबर प्लेट पे लिखा हुआ है। इसरार ला कैसा जो है वो सुफियान बैठा हुआ है। रोड का जो है वो हालत फिर भी सही है, लेकिन गिर्द गुबार जो है वो बहुत है, आप देख सकते हो ना। गाड़ी वाले को देखो, दूसरे बंदों का तो बिल्कुल ख्याल नहीं है उन लोगों के पास। बाइक की जो है वो हवा कम है, अल्लाह करे कि वो न हो। तेरा तो बता जब या तो बता 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 या तो बता ये मिनट पंचर न दिया न दिया हवा कम चर ये मेरे ख्याल में हवा कम है। ये दोस्तों ये एडवेंचर है भाई, ख़राब हो सर रोड की वजह से जो थोड़ा सा हिल रहा था ना, उसका आवाज़ कम था, लेकिन पंचर नहीं है मेरे ख्याल में वो। हाँ डोडे इलाका लो, डोडे वड़ गया है वो फोर तक लड्डू भी साथ है कितने। मेरा होंडा कितना स्पेरा हो गया, कितना स्पेरा हो गया मेरे लाडला, मेरे लाडला स्पेन फ्रुचिश मुझाल मुझे दूर तो कर सपाक जरे सपाक जरे सपाक मेरा खबर।
ډیر فیا ډیر باندې ګران یار میرا قصوه دا دینم قصوه ده او اسکا نام جو یو قصوه مې نه راکای قصوه دوستو ول پیدا ما ساکا جو پم مرنه کا جو وخت و زیا هوګیا اور ول پیدا ما ساکا اګیم بای کا جو اګیو راټرې و پنچر ہے ها مزبوط وبیر د سړی دلته وای دا لا کای څخلم لري پام سره کیچ لږ نږدې سره ځو کې تھوڑا سا خطرناک ہے تاکہ ہم ٹچ ٹچ جو ہے وہ سفر کریں اور ابھی بس پچاری پکڑیں گے آگے جائیں گے انشاءاللہ شاء اللہ مرفید احمد صاحب کو دیکھو ایک چلوشتی کا پمپ لے آیا ہے چلوشتی دوستو یہاں پہ ایک یونیورسٹی بن رہا ہے اور محمد آصف نے کہا کہ یہ آئندہ سالوں میں جو ہے وہ یہ بلوچستان کی بڑی یونیورسٹی ہوگا یہاں پہ تعمیر زبردست تعمیر ہوا ہے اور دوستو ایڈونچر راستہ تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو لیکن ٹائم ہو گیا 11:15 تو ہمارے پیچھے کیا بچے رو رہا ہے ہم انجوائے کریں گے نکلے ہوئے ٹرپ ہے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے اپنا انجوائے کریں گے اور جگہ جگہ پہ جو ہے وہ پکا روڈ بھی ہے یہاں یہ روغانی روڈ سامنے جو ہے وہ ابھی تو بالکل کچھ نظر نہیں آتا اور یہاں سے اس سیٹ پہ جو ہے خواجہ عمران ہے اور یہ راستہ جو ہے گلستان شوراوک کی طرف بھی یہ راستہ جاتا ہے اور میں پیچھے ایک راستہ مڑ جاتا ہے ندا کاریز کی طرف میں وہاں تک آیا ہوں لیکن آگے نہیں کیا ہوں یہ ہمارے لیے نیا راستہ ہے دوستو پیدا مت صاحب سے جو ہے وہ روٹی گر گئے اور صوفیہ نے اٹھا لیا میں نے بھی نہیں دیکھا ہے پتہ نہیں میرا دھیان کدھر تھا اور صوفیہ نے اٹھا لیا شکر ہے اور ایک بار ہم گوادر ٹرپ میں تھا اور شمس بھائی جو میرے ساتھ ارب ٹور پہ ہے لیکن اس بار نہیں ہے جیوانی سے ہم نکل گئے لیکن اس راستے پہ جو ہے وہ شمسلہ سے روٹی گر گئے پھر ہم مچھی ایسے کھا لیا اگر وہ ایپیسوڈ آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو میرا چینل بھی سبسکرائب کرنا اور وہ ویڈیو بھی ضرور دیکھنا جو ہم سے روٹی گر گئے
तो दोस्तों मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, टिकटॉक पर फॉलो मस्ट, फेसबुक पर और इंस्टा पर और यूट्यूब पर सब्सक्राइब मस्ट। और दोस्तों 125 का जो मेरा कस्वा है, कस्वा 125 का नाम मैंने कस्वा रखा है और जेस का नाम अभी तक मैंने रखा नहीं है। 125 का नाम मैंने कस्वा रखा है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक ऊँटनी था जो हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़ाओं में या वैसे सफ़र कर रहा था उस पर, तो मैंने अपने बाइक का नाम कस्वा रखा। और एक और नाम भी है, मैं जेस पर रखूँगा। और टिकटॉक पर मेरे दो आईडी है, एक अबू सुफियान व्लॉग, उस पर 125 का जो वीडियो है वो आ रहा है, लेकिन एक जो है अबू सुफियान बाइकर, उस पर जो है वो जीएस का जब मैं व्लॉग बनाऊँगा इस जीएस पर, तो उसका वीडियो अबू सुफियान बाइकर के नाम से जो आईडी है उस पर इसका वीडियो आता है। दोस्तों ये है एडवेंचर, ज़बरदस्त किस्म का एडवेंचर है। माशाल्लाह जैसे ऐसा जा रहा है, ज़बरदस्त जा रहा है, चढ़ाइयों पर नंबर वन है, जान उठाने में नंबर वन। सामने कुछ नज़र घरें नज़र आ गए, मेरे ख़्याल में इस घरों से ऊपर जो है मेरे ख़्याल में वो आबशार है, वहाँ पे अपना पिकनिक मनाएंगे इंशाल्लाह। ड्रीम किस्म का एडवेंचर हुआ है आज फिर से दोस्तों, मज़ा आया। एडवेंचर कभी कभी मज़ा कर रहा है। ये आ गए क्योंकि इसके ऊपर जो है वो पानी गुजरा हुआ है ना, सैलाबों की पानी। यहाँ पे जो है बड़े बड़े पत्थर भी हैं, रेत भी आ गए। ओए हे, गफार की पहली बार है एडवेंचर करने का, वो 70 पर है, लेकिन एक बार उसकी बाइक फ्लूट हो गए, बंद हो गए, वो हमारे पीछे था, हमारे ये ख्याल हुआ कि वो उससे बाइक गिर गया है, लेकिन बाइक नहीं गिरा उससे, वो बंद हो गए, फ्लूट किया है मेरे ख्याल। यह पर शे नस ये ज़रूरत ये शे नस ये दोस्तों, इसका कान को हम पहुंच गए और ये गांव जो है यहाँ पे हमने वीडियो नहीं बनाया, और अभी गांव से हम निकल गए, ट्रिक स्टार्ट हो गए पहाड़ों के तरफ, क्योंकि वो जो है वो पहाड़ से के दरमियान में वो वाटरफॉल है। रास्ता आप लोगों के सामने है, एडवेंचर रास्ता। सुन टिंगवानो मन,
ये खराब ही पीदा वाटर क्रॉसिंग हो रहा है। वाह 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 स्लिपी रोड आ गए। और मोहम्मद आरिफ के साथ हमारी मुलाकात हो गए। दोस्तों ये है पहाड़ी इलाका स्कांग कांड, जबरदस्त पानी बहता है माशाल्लाह, कितना क्रिस्टल पानी है। वाह। और पथरीली ज़मीन है, बाइक जो है वो स्लिप कर रहा है टायर। अभी देखो मोहम्मद असगर, क्योंकि 70 की बाइक का जो आगे वाला टायर है वो छोटा है, बार बार बंद हो रहा है उसे। और ठंड हवा चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा और आगे जाएंगे फिर इंशाल्लाह वो आबशार आएगा, क्योंकि अभी तो पानी नज़र आ गए। हमारे टाइगर कितना स्पेयर है, सब की हाल है। हमारे शूज के देखो, ये देखो मोहम्मद असगर वाली बंदीज वो बजरी खा खा कर या दा दा लाज दा किन किन टर दा नस्लिपीर। वाओ माशाल्लाह दोस्तों, क्या फ्रेश पानी है, क्या फ्रेश पानी बहता है, वाटर क्रॉसिंग माशाल्लाह। ओए बहुत से लोग आए हैं। ओ यार ये है, लोग भी आए हुए हैं। हाँ हुआ था, कितना खतरनाक रास्ता है। ये रास्ता है, रास्ता दर दिया जाए फिर बिल्कुल रास्ता ही नहीं है दोस्तों। एक जगह थोड़ा सा खराब लवर का कवर के मजे से उसका सर जाना। क्लक जा 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 بس بوش جاي هون. يا الله خير.
जाओ वो जाओ ऊपर। बिल्कुल अबशार तक पहुंच गए हम। वाह यार वाह माश जबरदस्त है यार। वाह वाह यार क्या खूबसूरत पानी है माशाल्लाह बिल्कुल क्रिस्टल से। ए बचे कि पैसे दे माशाल्लाह माशाल्लाह वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह कितना खूबसूरत। खुश बच्चे तो सर्दी लग रहा है। दोस्तों ये है आबशार। सारे बंदे जो है वो नहा गए और बाकी बंदे ज़बरदस्त इंजॉय कर रहे हैं। देखो शेर की गर्मी और गिर्द गुबार से तो हम तंग हो गए यहाँ आ गए। ज़बरदस्त आबशार आ रहा है माशाल्लाह क्रिस्टल पानी। लारी निवाल तो कसा जमून मसा रसा
درزا زبردست درزا درزا فور لیرکو هزار رب راغه ټو ډبره راول دا دوه غټ ما بین ډبر ما بین زا 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 азадлыгы бар азар 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 барда сырада ван азар 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 за 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 порт 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 машада сока сока роди лас вала شای مېخ باندې پد اسوي دوستو یا علاقہ ہے اور سکان کان یار اور میں ہائکنگ کر رہا ہوں ہائکنگ بہت ضروری ہے کیونکہ ہم شہر میں جو واک نہیں کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم ابھی ہائکنگ پہ نکل گئے وہ مولوی دامہ صاحب پہنچ گئے اور اس نے کہا کہ میں واپس آ رہا ہوں آپ ایسا نہ ہو تک جائے میں نے کہا نہیں میں ابھی ہائکنگ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ساری باجری ہے باجری میں بائک چلانا بہت مشکل اور میں چپل میں ہائکنگ کر رہا ہوں چپل میں واٹر پال میں تو ہم نے بوٹ اتار دیا چپل پہن لیا دوستو ہم پہنچ گئے ایک زبردست جگہ بنا ہوا ہے ماشاء اللہ چمن وغیرہ اور یہاں پہ تالاب بھی ہے واہ 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 پانی دیکھو پانی ماشاء اللہ انار کی درخت یہاں پہ لگے ہوئے ہیں اور ابھی ادھر یہ زبردست کمرہ بنا ہوا ہے واہ رات کے لیے اوف اوف یار زبردست کمرہ تھا خسمان مسمان تو نہیں ہے ادھر یا تم والا نشید کرتا گنڈک ونڈک ہو تو پھر ہم نہیں رکیں گے یا ایک کمرہ ہے پرانے ٹیپ سے بنا ہوا ہے نا کیڑ وغیرہ جو ہے وہ اوپر لگے ہوئے اس کمرے کے اوپر اور اللہ پار سنگ اس پھر اور ملشم اسلام نے ایک نک گر گیا اسے نہیں نہیں گر گیا وہ زبردست انجر واؤ یار تم دکھاؤ یار تم بڑے والا مجھے دے دو یار یہ والا تم والا کتنا ناخنک مارتا ہے مزہ کرتا ہے اتنا بڑا انجر ہے کیا بات ہے کتنا مزیدار زبردست بالکل پکا ہوا ہے وہ ایک نکی پڑا ہوا ہے ये नुकी पड़ा हुआ ये वो यार इंजर संग ना रावड़िया शुलंबी है शुलंबी राम सिर तक शुरू दिलते दिल दबल दबा दीवार तक वो दबा दीवार तक ये खाई मरावड़ दिल तक शुरू ये खाई नमाना शाना दरन का नमाना शाना दरन یہ خواتین دل تے دے سیر تک دل تے دے سیر با سیر تک شرط نور شان اولل اسما اول تک شرط او دا خدا دا غسر
دلته لاندې کښې شوم بل یې لمټ هم سم کښې شو هغه لمټ هم سم کړ دوستوں نے بہت سے انجر کو توڑ دیا ابھی لے آتے ہیں راغل او او انجر راوڑی خالی ما کر یار دا چیز نمولی شمسلا دا گوشت دے گوشت تم دکھاو یار تم بٹلی میں گوشت آغا جانا آغا جانا وا یار یار ماشاء اللہ ماشاء اللہ یار تیری خدمت کو سلام ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست یار سید رحمان تیری خدمت کو سلام ہے سید رحمان نے ہمارے لیے انجر کو توڑ کر لے آیا اور بالکل تازہ ہے سنگ دے سید رحمان اور انجر آ گئے سید رحمان نے لیا او یا خپل چې نه کراو بس سید رحمان یې جو او زب او پھر سے او انجر لیا یا راس راس ها راس راس بلال زوی راس راس لالا ما درځه وعلى السلام بلال ما درځه څنګه سړی مسه بخیر خیر څنګه وو څنګه سفر وو ولا دې ښه خونه کا وی دې ښه انزر ولا دا غږ شپه خې دې ګرځه شه او یا زبردست پول تازه دی تو یہ دو قسم کی انجیر ہے تو اس کا نام انجیر ایک یہ سبز والا یہ کالا والا یہ بہت میٹھا ہے بہت میٹھا سکھ بن رہا ہے اور ہم نے بھی چائے کے لیے چائے نک رکھا ہے سلنڈر پر سمجھ بول بتا مسا وہ رے برابر ہے دو درے خشت نور نور کے ہاں بول دانے دا شیش سب زم گرد کڑے نی ولی بھائی واو ماشاء اللہ مفید احمد صاحب کیا شان ہے یار بس دیکھو ابھی یہ گوشت پک رہے سیخ کباب ماشاء اللہ اس کا رخ نہیں لجنی ہمارے شنی چی تیار ہو گئے اور یہ چینک اور ابھی بھی عبدالغفار جو ہے وہ لسی کو تیار کر رہا ہے پانچ لیٹر لسی کو سب ڈال دیا چائے ہم نے لیا ہے لیکن اس کا کف ہم نے نہیں لیا ہے اور یہ میرے ساتھ آلریڈی بائک میں پڑا ہوا تھا یہ دو کپ باقی بندے جو ہے وہ لوٹو میں جو ہے وہ پی رہا ہے شنے چے کو راضی 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 واہ 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 پہنچ گئے کما دی بلال یار واہ زبردست سپیان آسان سیخ کباب آ گئے دوستو یہ مچھی آ گئے کیمرہ پکڑ دے سنگ سوالیہ
जमशेद ने वहाँ पे एक तालाब था, वहाँ पे मछली को पकड़ लिया और ले आया। माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, येलो कलर और सुर्ख कलर। वाह वाह माशाल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त। जमशेद ने ले जमशेद आई वही दिनवाल बगल दोस्तों हम आ गए थे एक हिडन वाटरफॉल को, आप लोगों ने देखा। फिर उसके बाद हम नहाए और फिर थोड़ा सा आगे गए हम और वहाँ पे अपना सिख कबाब हमने तैयार कर दिया, आप लोगों ने देखा। और नमाज पढ़ी, फिर थोड़ा सा इंजीर खा लिया, फिर वापस आ गए वाटरफॉल पे। वहाँ पे हमने आम खा लिया। टाइम है तकरीबन 10 मिनट कम 6 बजे और अब हम वापस जा रहे हैं चमन की तरफ। चमन से यहाँ तक तकरीबन 3 घंटे के रास्ता है, 3 घंटे। लेकिन वैसे तो गाँव वालों के लिए जो है वो आसान है, लेकिन हमारे शहर वालों के लिए जो है वो ज़्यादा है। मैं सबसे आखिर में जा रहा हूँ, सारे बंदे जो है वो आगे निकल गए क्योंकि बाइक बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा है। देखो अल्लाह पर मेरा इंतज़ार कर रहा है, जज़ाकल्लाह बारकल्लाह मेरा बेस्ट फ्रेंड अब्दुल गफ्फार। वालेकुम सलाम। दोस्तों एक बार फिर सनसेट हो गया, फिर एक बार फिर हमारा बाइक पंचर हो गए और हम मौके पे पहुंच गया। यार उसके मछली दूसरे बाइक वाले ने ले गया, इसका बाइक भी पंचर हो गया। दोस्तों मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, टिकटॉक पर फॉलो मस्ट है और फेसबुक पर फॉलो मस्ट और इंस्टा पर फॉलो मस्ट है। और ये व्लॉग यहाँ पर एंड करेंगे और कमेंट में ज़रूर बताना कि व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। गाँव में याद रखना, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।